26 मई 2021 आपने बहुत सारी न्यूज देख ली होगी कि फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर बैन होने जा रहा है। इसका क्या पीछे रीजन है कि फरवरी 25 या 26 को नोटिस किया था गवर्नमेंट ने आईटीएस रूल्स फेसबुक को और ट्विटर और इंस्टाग्राम को अपने गाइडलाइंस को चेंज करने के लिए, प्राइवेसी को चेंज करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए 3 महीने का टाइम दिया गया था कि अपने प्लेटफॉर्म को, अपने प्राइवेसी पॉलिसी को, अपने गाइडलाइन को आपको चेंज करना होगा। अगर आपने ये नहीं किया 26 मई को तो आपको बैन करने का पूरा अधिकार है। तो इसमें फेसबुक ने नोटिस अब 26 मई को कर दिया कि हम बहुत जल्द अपने प्लेटफॉर्म को चेंज करने जा रहे हैं। इसमें आईटीआई रूल्स में क्या क्या है, अगर कोई भी इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी ऐसी गाइडलाइन को वॉलेट कर रहा है, पोस्ट या वीडियो या फेक न्यूज, तो उसे पूरा अधिकार है फेसबुक को अब हटाने का कि उस पर कार्रवाई भी की जाएगी और उसका अकाउंट टर्मिनेट भी किया जाएगा परमानेंटली। तो अगर आप कोई भी फेक न्यूज या फेक पोस्ट या कुछ ऐसी पोस्ट होती है, कुछ ऐसी वीडियो होती है जो आप वायरल करते हो, जो से गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती और वॉलेट करती है, जो हम गाइडलाइन को फॉलो ना करते हुए वॉलेट कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को, तो अगर आप ऐसे काम करोगे आपका अकाउंट टर्मिनेट भी किया जाएगा। और गवर्नमेंट ने यह कहा कि ये तीनों प्लेटफॉर्म की अलग अलग टीम होगी तीनों की, तो ये मंथली हमें रिपोर्ट देती रहेगी गवर्नमेंट को कि क्या क्या अनलीगल काम हुआ है, क्या क्या कंटेंट है वो क्या क्या रिमूव हुआ है और क्या क्या चेंज हुआ है। तो उन्होंने कुछ दिनों का टाइम दिया कि हम अपग्रेड करने की पूरा पूरी कोशिश करेंगे और प्राइवेसी चेंज करने की, सुधारने की कोशिश करेंगे। ऐसे टिप्स जानने के लिए मुझे फॉलो करते रहिए। लव यू।